हेलो दोस्तों, अब व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने किसी भी सवाल का जवाब डाउटनेट से ले सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ बायोलॉजी के भी डाउट को खोल सकते हैं, वो भी डाउटनेट के साथ। इसके लिए आपको करना क्या है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 8400 400 400, उसे अपने मोबाइल पर सेव कर लेना है और व्हाट्सएप पर आ जाना है सेव करके। इसके बाद उसी नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप पर, कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको जो भी क्वेश्चन ना आ रहा हो उसकी फोटो, सिंपल से यहाँ पे फोटो आपको खींचना है। इसके बाद आपको करना क्या है, फोटो खींचने के बाद इस क्वेश्चन को आपको क्रॉप कर देना है। जितना भी जो भी क्वेश्चन आपको ना रहा हो उसी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे क्रॉप कर देना है। और जैसे ही आप इसे क्रॉप करेंगे और ऐसे ही भेज देंगे इसी नंबर पर, तो जैसे ही भेजते हैं तो आपका डाउट कुछ ही सेकंडों में आपका डाउट आपके सामने आ जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डाउटनेट का गुड गुड क्वेश्चन सर्चिंग सोल्यूशन इन 10 सेकंड, आपका क्वेश्चन का। ये देखिए दोस्तों, आपका वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे आ चुका। तो हेलो साथियों, मैं जो आपकी एक नाभिक की सीरीज चला रहा था उसी सीरीज को आगे लेकर आ गया हूँ। अब इसी सीरीज पर मैं आपको नाभिकीय बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन बताऊंगा, नाभिकीय बल की डेफिनेशन बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कई डेफिनेशन बताऊंगा, मतलब सीरीज वाइज सीरीज चल रही है, पार्ट टू है, पूरा नाभिक खत्म करना है हमें। तो मैं यहाँ पे जो ये वीडियो जो होगी ट्रिक ट्रिकफुल भी होगी, टिप्स फुल भी होगी और एग्जाम पर टारगेट करने वाली भी होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। तो आइए दोस्तों देखते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा की जो आपकी डेफिनेशन होती है वह क्या होती है और आप आसान से आसान डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाभिकी यानी कि नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है, नाभिक में जो कुछ बंधा हुआ है उसी को हम बोल देंगे बंधन ऊर्जा। अब नाभिक में होता क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं नाभिक में होता क्या है, तो आप मुझे सिंपल सा जवाब दोगे, जब इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन होंगे। और मैंने अभी भी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब बन जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में, तो क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, क्या होंगे, नाभिक पर आपके प्रोटॉन होंगे एक तो और एक न्यूट्रॉन होंगे, क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे और यहाँ पर न्यूट्रॉन मान लेते हैं। तो अब आपको नाभिकी यानी कि नाभिक है कोई, उसकी ऊर्जा है मतलब ऊर्जा में शक्ति है, तो अब इसको आपको क्या करना होगा, बंधन में है ये, तो बंधन ऊर्जा, तो मींस आप बोल देंगे किसी नाभिक में, क्या बोल देंगे, किसी नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, किसको, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, न्यूट्रॉनों को अलग अलग करने की जो क्षमता होती है, क्या होती है, अलग अलग करने की जो क्षमता होती है, अलग अलग करने की जो ऊर्जा होती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। अब आपको पता होगा नाभिकीय मतलब नाभिक में, बंधन मीन्स बंधे हुए और ऊर्जा मीन्स ताकत, मतलब नाभिक में कुछ बंधा हुआ है। यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, याद करने की मैं टिप्से दे रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, नाभिक में कुछ बंधा हुआ है, तो जब उसको अलग अलग हम कर देंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो अब नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो आप सिंपल सा बोल देंगे किसी नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग करने की जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा की जो डेफिनेशन है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप चाहे जिस एग्जाम पर बैठ जाएं और आपको भूलेगी भी नहीं और एग्जाम पर ज्यादा से ज्यादा पूछी भी जाती है। तो आप एक बार फिर से बता देता हूं, आप बोलेंगे क्या, ये नाभिकीय मतलब नाभिक पर, बंधन मीन्स बंधे हुए, ऊर्जा मीन्स ऊर्जा, तो अब मैं बता दूं नाभिक पर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जब ये आपस में बंधे हुए हैं तो हम इनको खोल देंगे, जैसे ही खोल देंगे वही क्या कहलाएगा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो आप बोल देंगे किसी नाभिक पर, क्या बोल देंगे, किसी नाभिक पर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग अलग करने की जो क्षमता, अलग अलग करने की जो ऊर्जा होती है, क्योंकि जब इनको अलग अलग करेंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा लगेगी, सिंपल सी बात है, तो जो अलग अलग करने की एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, वही नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, मैंने क्या रखा है, क्या मोस्ट है आपके लिए, तो मैं नेक्स्ट डेफिनेशन आपको बता देता हूं नाभिकीय ऊर्जा। जितनी वीडियो डीप जाती जाएगी उतनी मस्त मस्त डेफिनेशन मैं आपको बताता जाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक भी स्किप मत कीजिएगा। तो द्रव्यमान ऊर्जा भी क्या होती है, आइंस्टीन नामक जो आपके वैज्ञानिक थे, कौन थे, आइंस्टीन नामक जो आपने वैज्ञानिक सुना होगा, नाम बहुत सुना होगा, तो आइंस्टीन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह बताया कि ये जो ऊर्जा है ना, क्या है, ये जो ऊर्जा है
ये द्रव्यमान है जो ये ऊर्जा का दूसरा रूप है। कौन सा? ये द्रव्यमान जो आपका है वह ऊर्जा का कौन सा रूप है? दूसरा रूप है। ये द्रव्यमान ऊर्जा का दूसरा रूप है। इन्होंने आइंस्टीन नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने कहा कि जो ऊर्जा है क्या है, जो द्रव्यमान है सॉरी वह ऊर्जा का दूसरा रूप है। अब बताइए आप ऊर्जा को आप क्या कर सकते हैं, किसी से छीन सकते हैं क्या? तो ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वो भी ऊर्जा के रूपों में, जैसे मान लीजिए गतिज ऊर्जा हो गई। इस तरह से इस ऊर्जा को एक दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है, परंतु इसे किसी से मतलब किसी भी तरह किसी भी हालातों में इस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ओनली बदला जा सकता है। तो आइंस्टीन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या दर्शाया दोस्तों कि जो द्रव्यमान है आपका ऊर्जा का दूसरा रूप है, इसे इसे एक 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 तरह से दूसरे रूप में एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। द्रव्यमान जो है ऊर्जा का एक दूसरा रूप है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यही आपका क्या कहलाता है? द्रव्यमान ऊर्जा। इसका फार्मूला होता है E बराबर mc स्क्वायर। क्या होता है? m इंटू सी स्क्वायर। तो इसे आप याद रखेंगे, जब भी आपसे द्रव्यमान ऊर्जा की बात करेगा तो आप सीधे से यही कह देंगे। अगर आपसे पूछ लेगा द्रव्यमान ऊर्जा क्या है, तो आपने नंबर एक में आ गया द्रव्यमान और नंबर दूसरे में क्या आ गया? ऊर्जा। तो जो अब आप इधर से बोलेंगे एक नंबर में क्या है द्रव्यमान, तो आप बोलेंगे किसी नाभिक का द्रव्यमान ऊर्जा का दूसरा रूप है। किसका? ऊर्जा का दूसरा रूप है। किसी नाभिक का द्रव्यमान ऊर्जा का दूसरा रूप है, इसे एक एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। या फार्मूला लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क मिल जाएंगे। तो अब दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नाभिकीय बल की डेफिनेशन बताएंगे।